गेमर्स, माय नेम इज अबू एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ सिटी स्काईलाइंस। इन द लास्ट वीडियो आप सभी को याद होगा, हमने फार्मिंग की शुरुआत करी थी हमारे सिटी स्काईलाइंस में, एंड अभी हमारा फार्मिंग का बिजनेस काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। एंड गेमर्स, एक और चीज आपको याद होगा, लास्ट वाले वीडियो में मैंने बोला था कि आपको उस वीडियो के नीचे, फार्मिंग वाले वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स करने हैं और आप में से किसी एक का नाम हमारे ये फार्म लैंड को मैं दे दूंगा। आपने गाइस बहुत सारे कमेंट्स करे, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कमेंट्स। एंड यार, आप में से मैं हर एक का तो नाम यहाँ पे दे नहीं सकता, बट मैंने आप में से किसी एक लकी विनर का यहाँ पे नाम मतलब चूज किया है, एंड वो है इंडियन गेमर। थैंक यू सो मच ब्रो फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड कॉमेंटिंग ऑन दिस वीडियो। तो आपको अभी मैं यहाँ पे ये जो चेरी प्लांटेशन है इसका नाम हटा के मैं आपको यहाँ पे इंडियन गेमर लिख देता हूँ, इंडियन गेमर फार्म, एंड मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। तो आपका यहाँ पे नाम आ जाना चाहिए इंडियन गेमर। या एज यू कैन सी गाइज, यहाँ पे इंडियन गेमर का नाम आ चुका है हमारे फार्मिंग लैंड के लिए। बट यार, मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे कॉमेंट्स करे थे और मैंने उसमें से बस एक ही कॉमेंट चूज करी है। तो मेरे दिमाग में एक बहुत प्यारा आइडिया आ रहा है कि देखो यहाँ पे ना ये काफी सारे हाईवेज भी है, जैसे ये कोरल हाईवे या स्टेपनी हाईवे की क्या जरूरत है। मैं आप में से हर एक वीडियो में आप में से किसी एक का नाम में हाईवे को दे दूंगा, मतलब दो हाईवेज को हम नाम देंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं ये चीज अप्लाई करूंगा, ठीक है। अभी इस वाले वीडियो के नीचे भी जाके कमेंट करो, कुछ भी कमेंट करो, देन नेक्स्ट वाले वीडियो में आप में से किसी एक का नाम में ये वाले हाईवेज को दे दूंगा, ये कोरल हाईवे और स्टेपनी हाईवे। तो अभी बात करते हैं आज की वीडियो की। आज के लिए मैंने सोचा है कि आज हम एक बहुत बड़ा सा एक रेलवे स्टेशन बनाएंगे, ट्रेन स्टेशन बनाएंगे हमारे सिटी स्काईलाइंस में। बिकॉज एक्चुअल में क्या हो रहा है पता है, यहाँ से ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं एंड उनको सिटी में चारों तरफ हमको भेजना भी है। सो दैट्स व्हाई मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ना मैं आज एक बहुत बड़ा ट्रेन स्टेशन बना दूँ। एंड आई हैव अ ट्रेन स्टेशन, देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मतलब ये अपडेट में आया था, आज हम यही वाले ट्रेन स्टेशन यहाँ पे बनाने वाले हैं ताकि यहाँ पे ना ज्यादा से ज्यादा ट्रेन आ सके और ट्रेन से कार्गो पूरी सिटी स्काईलाइंस में पहुंचाया जा सके। एक ट्रेन स्टेशन हमारा यहाँ पे रहेगा और दूसरा मुझे एक और बनाना चाहिए जो कि यहाँ पे रहेगा, क्योंकि हमारे पूरी सिटी स्काईलाइंस में एक बड़ा ट्रेन का स्टेशन कहीं पे भी नहीं है। तो एक हमारा यहाँ पे रहेगा और दूसरा यहाँ पे रहेगा। सो ये बनाने के लिए सबसे पहले हमको इस जमीन को फ्लैट करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास है लेवल टेरेन वाला टूल और इसकी हाइट मुझे एग्जैक्टली इसी के हाइट जितनी रखनी। भाई ये क्या हो गया, इसका साइज बड़ा कर दो एंड देन इसी का साइज एग्जैक्टली हम यहाँ पे लिखाएंगे। बस ये रिवर को कुछ होना जाए, भाई नीचे वाले रोड को कुछ नहीं होगा ना, अंडरग्राउंड रोड को नहीं, इसको कुछ नहीं होगा। तो ये मैं पूरी जगह का इस प्लेन कर देता हूँ जहाँ पे हमारा एक ट्रेन स्टेशन बनेगा। पूरी जगह को मैंने एकदम चिकना कर दिया है और दो तीन पत्थर वगैरह बच्चे बड़े वाले हैं, इन पत्थरों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हमारा पहला ट्रेन स्टेशन यहाँ पे बनेगा, उसके लिए मुझे मेन हाईवे से कनेक्शन लेके आना पड़ेगा, मेन रोड से। रोड का कनेक्शन यहाँ से आएगा या यहाँ से यहाँ पे आएगा, ऐसा यहाँ से मैं हाईवे बनाने की सोच रहा हूँ, ये आने के लिए और इधर से होगा जाने के लिए। या लेट्स गो, मैंने आने जाने के लिए दो वन वे वाले लेंस बना दिए ताकि यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक का इशू ना हो। एंड उसके बाद मुझे एक और रोड बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ये इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये यहाँ तक आएगा एंड ये इधर से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये मैंने बना दिया एंड नाउ हमारा ट्रेन स्टेशन एग्जैक्टली इसी जगह पर बनेगा। सेकेंड, ये दोनों अलग है भाई, ये मल्टी प्लेटफॉर्म एंड स्टेशन है और ये नॉर्मल मल्टी प्लेटफॉर्म ट्रेन स्टेशन है। तो मैं एंड वाला स्टेशन यहाँ पे बनाने की सोच रहा हूँ क्योंकि यही से कार्गो चारों तरफ जाएगा। सो यहाँ पे हमारा एंड स्टेशन रहेगा, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे बना दिया, लेट्स गो गेमर्स, हमारा यहाँ पे एंड स्टेशन ट्रेन का बन चुका है। ओ बॉय, बहुत बड़ा ट्रेन स्टेशन है, बट यहाँ पे ट्रेन कहाँ से आएंगी? मे बी यहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रेन आ जाएंगी। ओ देखो यहाँ पे एक्चुअल में सब कुछ लिखा ही है, कब जाएगी ट्रेन, कब आएगी, कितना कौन सा प्लेटफॉर्म है, क्या क्या है। अभी इसको पानी वगैरह चाहिए, भाई एक मिनट रुक जा, तेरे को या पानी का कनेक्शन मैंने इसको दे दिया और अभी लाइट का भी कनेक्शन चाहिए। मैंने इसको पानी का और लाइट का कनेक्शन दे दिया है एंड अभी बस मुझे यहाँ पे ट्रेन के ट्रैक्स बनाने पड़ेंगे, चारों तरफ बिछाने पड़ेंगे। उसके लिए मेरे पास एक और ऑप्शन है, मैंने ना ऑफलाइन थोड़े से मोड्स को डाउनलोड करा था ट्रेन के रूट्स को। देखो ये वाले मेरे पास काफ़ी सारे ट्रेन के रूट्स है और आई थिंक मैं इनको यहाँ पर बना सकता हूँ। वो ये बनेगा या भाई, कितना ज़्यादा ओपी लग रही है। एक सेकेंड, मेरे पास और कौन से, ये वाला यार, ये पानी के ऊपर बनेगा यार। अब एक सेकेंड, वो बन रहा है पानी के ऊपर गाइज। ओ माय गॉड गाइज, जस्ट लुक एट दिस। सिनेमैटिक व्यू में अगर आपको मैं दिखाऊँ, भाई ये चीज़ बहुत ओपी लग रही है। एंड एक सेकेंड, ये ब्रिज यहाँ पे टूटा क्यों है? नहीं ये टूटा नहीं है, जब ट्रेन को आई थिंक ऊपर से जाना होगा ना तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। आर यू सीरियस, दिस इज सो कूल। ये सीधा यहाँ पे गाइज कनेक्ट हो रहा है, तो मैं अलग अलग रूट्स को यहाँ पे ऐसे आई थिंक कनेक्ट कर पाऊंगा अगर मैं सोचूँ तो, ठीक है। ये वाला यहाँ पे कनेक्ट होगा, मैं ना बना के देखता हूँ, देन उसके बाद ये वाला यहाँ पे कनेक्ट होगा, कनेक्ट हो जा, ओ हो रहा है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। एंड देन ये वाला भी यहाँ से यहाँ पे कुछ यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ओ नाइस हो रहा है। तो मैं ऐसे ही सारे ट्रेन के रूट्स को एक दूसरे से फिर कनेक्ट कर देता हूँ, कम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। फाइनली गेमर्स, मैंने सारे के सारे ट्रेन के रूट्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है। दूसरा ट्रेन का स्टेशन गाइज मैं इस जगह पे बनाने वाला हूँ, ये जगह को मैंने अभी प्लेन कर दिया है। अभी हमको मल्टी प्लेटफॉर्म ट्रेन स्टेशन बनाना है दूसरा ट्रेन स्टेशन के लिए, और वो वाला ट्रेन स्टेशन मैं यहाँ पे बनाने की सोच रहा हूँ।
इस जगह पे, हाँ यहाँ पे ही अच्छा लगेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे गाइज एक मल्टी प्लेटफॉर्म ट्रेन स्टेशन बना दिया है, लेट्स गो। अब यहाँ से क्या होगा कि ये प्लेटफॉर्म ट्रेन इजीली चेंज कर पाएगी बहुत सारे मल्टी प्लेटफॉर्म ट्रेन स्टेशन। यहाँ से ये यहाँ पे कनेक्ट होगा ऐसा। ओके, मुझे इस तरीके से ही सारे ट्रेन रूट को कनेक्ट करना पड़ेगा। ये इधर आएगा एंड देन यहाँ से इधर। बट ये ट्रैफिक जाम तो नहीं होगा ट्रेन का इससे, लेट्स सी। ये पता नहीं कैसा लगेगा बट ट्राई करके देखते हैं। ये दूसरा यहाँ तक आएगा, आ जा भाई, वो आ गया, नाइस। ये भाई अच्छा लग रहा है ये ये इधर से यहाँ पे आएगा। ओके, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आ जा भाई तू इधर से यहाँ पे आ जा, परफेक्ट। एंड ये वाला इधर से ऐसा आएगा, ये लगेगा कि यहाँ पे नहीं, ये होगा नहीं आई थिंक। एक काम करते हैं, इसको मैं इस रूट से कनेक्ट कर दूँ फिर चलेगा, ये इतना उतना चलता है। ठीक है, और ये वाला इधर से इससे कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये मल्टी प्लेटफॉर्म ट्रेन स्टेशन को भी गाइज मैंने मेन रूट ट्रेन रूट से कनेक्ट कर दिया, और इधर से भी मुझे सेम चीज़ करनी पड़ेगी। आई होप इससे ट्रैफिक का इशू ना हो, नहीं तो भाई मैंने ये तो बना दिया बट इससे पता चले भाई बाद में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा है ट्रेन का। अभी ये बनाने के लिए मुझे इसको इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, और ये वाला भी सीधा यहाँ पे आके इससे कनेक्ट होगा। सो फाइनली भाई, ये दिखने में एक स्पाइडर की तरह लग रहा है, ऐसा लग रहा है स्पाइडर ट्रेन के ट्रैक पर चढ़ा हुआ है। ओके, ये हो गया। एंड अभी मैं एक बार गेम को ऑन करके देखता हूँ, मे बी यहाँ पे ट्रेन्स आएंगी ऐसा मुझे लग रहा है। तो यार एक ट्रेन तो आ रही है बट अभी तो इसको कोई एक्सेस कर नहीं पाएगा मेरे हिसाब से। एंड गाइज यहाँ पे ना ट्रेन का ज़्यादा ट्रैफिक जाम ना हो इसके लिए मैं एक और रूट यहाँ पे ऐसा बना देता हूँ, फिर ऐसा पूरा ये ऐसा आएगा कर्व करके यहाँ पे ऐसा कनेक्ट। ओके गाइज, अभी मैंने यहाँ पे एक स्माइली फेस जैसा बना दिया ये, अभी ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। बट अभी तक तो यहाँ पे कोई ट्रेन आई नहीं है, और वैसे भी मुझे इससे याद आया, मुझे अपने भाई इस मेन हमारे फार्मिंग वाले टर्मिनल को मेन ट्रेन से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक सेक्शन बनाने वाला हूँ, इंटरसेक्शन। वी हैव दिस इंटरसेक्शन, ये वाला ओवर हेयर, ये यहाँ पे बनेगा, वो बनेगा, लेट्स गो। इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ फिर। ओके, मैंने एक और इंटरसेक्शन यहाँ पे ट्रेन का बना दिया है, एंड इस इंटरसेक्शन को मुझे ये ट्रेन रूट से कनेक्ट करना है। उसके लिए मुझे ये वाला रोड आई थिंक यहाँ से हटाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, ये वाला रोड हटा के इसको मैं अंडरग्राउंड कर देता हूँ फिर, क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रेन का सेक्शन बनाना है। तो गाइज मैंने रोड को अंडरग्राउंड कर दिया है, एंड नाउ हम इस ट्रेन के रूट को सामने की तरफ ले जा सकते हैं। सो लेट्स गो, अभी मैं इसको जल्दी से सामने की तरफ कनेक्ट कर देता हूँ, ये सीधा आएगा। इसको भी मैं पेज डाउन ही क्यों ना करूँ, हाँ पेज डाउन ही करते हैं, पेज डाउन होता है तो स्ट्रेट लाइन में कहाँ तक भाई हमारा, अभी एक सेकेंड, हाँ इंटरसेक्शन हमारा भाई काफ़ी दूर तक है, तो ये सीधा यहाँ पे आएगा ऐसा स्ट्रेट, एंड देन मुझे इसको यहाँ पे कर्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। सो लेट्स डू इट, कर्व ओवर हेयर, एंड या ये कर्व आ गया। अरे मुझे इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, या मैंने कनेक्ट कर दिया, और ये भाई इसको क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा, इसको मुझे देन हटाना पड़ेगा। ठीक है, एक रूट को मैंने कनेक्ट कर दिया, और अभी मुझे सेम दूसरे रूट को भी कनेक्ट करना पड़ेगा, जस्ट लाइक दैट। ये भी ऐसे सामने आएगा यहाँ से, इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करने की सोच रहा हूँ दूसरे एंगल से। ठीक है गाइज, मैंने दोनों रूट को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, और इस साइड को आई थिंक मुझे ना डिलीट करना पड़ेगा, या नहीं इसको ना मैं यहीं पे रहने देता हूँ, बाद में अगर मुझे मतलब इधर कुछ कनेक्शन बनाना होगा तो हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ओ फाइनली गाइज, यहाँ पे ट्रेन ने आना शुरू कर दिया है। वो एक सेकेंड, बट ये एक सेकेंड, ये पैसेंजर ट्रेन है। ओ नो 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 नो, आई थिंक ये पैसेंजर ट्रेन का भाई मुझे यहाँ पे मालगाड़ियों को भेजना है, तो उसके लिए मे बी एक सेकेंड गाइज, तो मुझे यहाँ पे कार्गो ट्रेन, हाँ यार ये पैसेंजर ट्रेन के लिए आई थिंक ये वाला स्टेशन पूरा। ओह नो गाइज, देन मुझे यहाँ पे कार्गो ट्रेन टर्मिनल बनाना पड़ेगा यार। ओह नो, मैं एक कार्गो टर्मिनल यहाँ पे बना देता हूँ। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे दो कार्गो ट्रेन टर्मिनल्स बना दूंगा, और इस वाले ट्रेन स्टेशन को गाइज मुझे यहाँ से ना हटाना ही पड़ेगा, मेरे पास और कोई चांस नहीं है। तो इसको ना मैं टेम्प्रेरी यहाँ से हटा के यहाँ पे कहीं पे मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं दो कार्गो ट्रेन टर्मिनल्स बनाऊंगा ऐसा। यार ये मैंने पहले क्यों सोचा नहीं, देखा ये सारे लोग अभी खुश हो गए। दो रूट ही आई थिंक इनफ है, और ये वाला भी रूट यहाँ से मैं आई थिंक यहाँ पे ऐसा कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हाँ ये वाला यहाँ से कनेक्ट होगा, हाँ ये ठीक है, और ये वाला भी इधर से आएगा ऐसा घूम के यहाँ पे कनेक्ट होगा। ओके गाइज, कार्गो ट्रेन टर्मिनल भी हमको यहाँ पे बनाना था, और ये जो बाकी के ट्रेन के ट्रैक्स है मुझे आई थिंक यहाँ से इनको ना हटाना पड़ेगा, क्योंकि इनका यहाँ पे कोई फायदा ही नहीं है फिर। या ये सारे के सारे बाकी के ट्रेन के ट्रैक्स मैं यहाँ से हटा देता हूँ। फाइनली यहाँ पे गाड़ियों ने आना शुरू कर दिया है, इसने कार्गो को लोड करा, देखा यहाँ पे कार्गो आ चुका है, और ये पैसेंजर ट्रेन टर्मिनल के भी हमको जरूरत है। ये इसका शेप गाइज मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, देखा यहाँ पे ट्रेन आ रही है। ओ यस गाइज, देखो फाइनली यहाँ पे ट्रेन रुकी है, एंड लोग भी है, ये बंदा सिटी को लीव कर रहा है। ओके, ये बुजुर्ग अंकल कहाँ पे जा रहे हैं, लीविंग द सिटी, लेट्स गो। ट्रेन आ चुकी है भाई, गाइज ट्रेन ने आना शुरू कर दिया, एज यू कैन सी। देखो अभी ये ट्रेन माल लेके आई थिंक आ रही है। ओ भाई वेरी नाइस, अभी देखो अभी ये कैसी जाती है, मुझे वो देखना है। अभी ये हमारा जो हमने ट्रेन का अभी जो रूट बनाया था एक नया सा, तो भी ये उसको लेके जाएगी आई थिंक। भाई ये दिखने में कितना ज़्यादा ओपी लग रहा है भाई, सीरियसली लेट्स गो भाई। अभी ये कहाँ से जाएगी, ओ ये देखो देखो ये सीधा जा रही है, इसका मतलब यहाँ से ये ओपन होगा आई थिंक। देखो ये सीधा आ रही है,
यहाँ पे रुकेगी, नहीं अबे रुकी नहीं, ये तो भाई सीधा ही एनीवेज और गाइस देखो ये ट्रेन यहाँ से चली जा रही है। लाइव स्टॉक ट्रक, इसके अंदर देन एनिमल्स है। ओके तो ये ट्रक्स एनिमल्स लेके भी यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से एनिमल्स प्रोडक्ट्स और जो हमारे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, आई मीन जो वीट वगैरह है, उसको यहाँ से पूरा हमारे चारों तरफ सिटी में एक्सपोर्ट किया जाएगा। एक और ट्रेन आ चुकी है हमारे ट्रेन टर्मिनल पे। ओ कितने सारे लोग छोड़ दिए इसने, एंड ये आई थिंक लिफ्ट है, तो लिफ्ट से लोग ऊपर गए और ये ऊपर इससे यहाँ से आई थिंक ये बाहर निकलेंगे। लेट्स सी कहाँ से बाहर आते हैं। वो एग्जैक्टली गाइस देखो ये इस गेट से बाहर आ रहे हैं, भाई ये बहुत रियलिस्टिक है। मतलब देखो कितने सारे लोग हैं और ये गाड़ियाँ लेके लोग जा रहे हैं, और ये आई थिंक सारे टूरिस्ट है। ये कौन बंदा है, या ये टूरिस्ट है, गोइंग टू चिप्परबरुन टूल्स। कहाँ पे जा रहे हैं चिप्परबरुन टूल्स, कहाँ पे ये वाला, वो दुबई सिटी में जो आई मीन दुबई विलेज में जो हमारा चिप्परबरुन टूर्स है वो बंदा वहाँ पे जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि हमारे टूरिस्ट के लिए ये बहुत अच्छा चीज़ है यार। ये कहाँ पे जा रहे हैं अंकल, ये तो मरीना पे जा रहा है ये ड्राइव करके, कहाँ वाला, ओ जो हमारा हमारा जो प्राइवेट आइलैंड का हमने बनाया था ना, ये अंकल वहाँ पे जा रहे हैं भाई, इतनी दूर जा रहे हैं ट्रैवल करके। मैं सोच रहा हूँ कि एक एक हमारा ट्रेन टर्मिनल मतलब यहाँ पे भी होना चाहिए मरीना ड्राइव के आसपास, ताकि लोग यहाँ पे ना ट्रैवल कर सके। तो मुझे एक ट्रेन टर्मिनल का कनेक्शन आई थिंक यहाँ पे भी बनाना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एक ट्रेन का स्टेशन पैसेंजर ट्रेन वाला स्टेशन यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, पैसेंजर वाला। हाँ ये रहा ट्रेन स्टेशन पैसेंजर, बट यार यहाँ पे जगह ही नहीं है, जगह नहीं है तो मैं कहाँ पे लगाऊंगा। यहाँ पे आई थिंक मैं बना सकता हूँ, तो ये वाले घर हट जाएंगे। आई एम सो सॉरी गाइज। सो गेमर्स एज यू कैन सी मैंने एक ट्रेन का स्टेशन हमारे प्राइवेट आइलैंड्स के ऊपर बना दिया है, और इस वाले ट्रेन के स्टेशन को मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ हमारे बड़े से ट्रेन जंक्शन से। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ट्रेन की लाइन यहाँ पे बिछा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहाँ से ट्रेन का रूट सीधा जाके कनेक्ट होता है हमारे मेन जंक्शन से। देखो यहाँ से भी एक ट्रेन का रूट आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले ट्रेन का कनेक्शन बनाना पड़ेगा इस ट्रेन लाइन से। तो या ये वाले ट्रेन लाइन यहाँ से क्रिएट लाइन करना पड़ेगा, या क्रिएट लाइन हो गई और सीधा इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दो। कहाँ पे क्या भाई, हाँ ये रहा जंक्शन, ऐड लाइन ऐड स्टॉप, बट ये ऐड ही नहीं हो रहा, आई डोंट नो व्हाई। तो देखो क्रिएट लाइन हो गया, ये यहाँ से लाइन को क्रिएट करा मैंने, और अगर मैंने यहाँ पे जोड़ा तो ये ज्वाइन ही नहीं हो रहा। तो मे बी ना इसके लिए डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से भी मैंने एक लाइन कनेक्ट करी है, ये वाली ट्रेन लाइन यहाँ पे कनेक्ट होगी, ऐड स्टॉप, ओके हो गया आई थिंक ये, एंड ओके। ओ गाइस फाइनली देखो यहाँ के सारे लोग खुश हो गए। तो अभी यहाँ से ट्रेन यहाँ पे जाएगी, ये वाला भी ट्रेन स्टेशन पेज डाउन होके ये वाले इसको कनेक्ट होगा, तो आई थिंक मैं यहाँ पे भी एक लाइन कनेक्ट कर सकता हूँ। ये जो हमने अभी भी कनेक्शन बनाया, यहाँ से भी एक ट्रेन आ रही है, तो ये वाला भी ट्रेन के स्टेशन को हमने मेन रूट से कनेक्ट कर दिया। ओ गाइस फाइनली देखो ये ट्रेन यहाँ पे आ रही है मेन जंक्शन पे, सो चीज़ें काम कर रही है। तो मुझे ये देखना है कि क्या ये वाले भी रूट से कोई ट्रेन आएगी। अरे नहीं 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 ये वाला रूट, अरे इससे कनेक्ट ही नहीं हुआ है, तभी मैं सोचूं ये काम क्यों नहीं कर रहा यार। तो ये इससे कनेक्ट हो जा, हाँ अभी कनेक्ट हो गया, तो आई थिंक अभी मैं लाइन क्रिएट कर सकता हूँ, क्रिएट लाइन, और ये क्रिएट लाइन होके हमारे मेन स्टेशन पे आएगी। कहाँ पे ये रहा मेन स्टेशन, और ओ हो गई गाइज, ओ माई गॉड गाइज फाइनली लाइन क्रिएट हो चुकी है, और अभी बस मुझे इस लाइन को कम्प्लीट करना है, एंड कम्प्लीट द लाइन। फाइनली गाइज मैंने लाइन को कम्प्लीट कर दिया, तो अभी यहाँ के सारे लोग हमारे मेन ट्रेन जंक्शन पे आ सकते हैं। देयर यू गो, तभी यहाँ से एक ट्रेन हमारे सीधा प्राइवेट आइलैंड्स के लिए जाएगी। तो इससे क्या होगा, टूरिस्ट टूरिज्म को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट हमारे सिटी में आ पाएंगे। तो मैं काम करता हूँ हमारे सिटी में जितने भी ट्रेन स्टेशन है ना, उनको मैं इससे कनेक्ट करने की दिन कोशिश करता हूँ। बट सबसे पहले मुझे इन रूट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा अलग अलग ट्रेन के रूट से। भाई अगर आप देखोगे ना भाई ऊपर से ये कितना ज़्यादा गंदा, मतलब इतने सारे मैंने ट्रेन के रूट भी यहाँ पे कनेक्ट करे। तो सबसे पहले कौन सा ट्रेन स्टेशन कहाँ पे, मुझे ये देखना पड़ेगा, ठीक है। लेट मी सी, ये हमारा मेन ट्रेन का जंक्शन है, उसके बाद एक ट्रेन टर्मिनल, एक सेकेंड एक काम करते हैं, जो हमारा ये छोटा इजिप्ट है ना, जहाँ पे हमारे पिरामिड्स है, यहाँ से मैं एक ट्रेन का कनेक्शन लेके आता हूँ फिर। या यहाँ पे अंडरग्राउंड कनेक्शन ऑलरेडी है, या ऑलरेडी है, पेज अप थोड़ा सा एंड कनेक्ट इट ओवर हियर। ओके गाइज अभी मैंने एक और रूट बना दिया है, ये हमारे मेन ट्रेन टर्मिनल से ये सीधा जाता है हमारे इजिप्ट पे। इजिप्ट का मैंने ये कहाँ पे बनाया था, क्योंकि यार ये अगर सीधा कनेक्ट नहीं होता ना तो ये रोड्स बनते भी नहीं है। मैंने कहाँ से कनेक्शन बनाया था, हाँ ये वाला। तो एक काम करते हैं, मैं इसको सीधा इस ट्रेन ट्रैक से ही कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इसको मुझे यहाँ से हटाना है, ये डिलीट कर दो, एंड ये सीधा ट्रेन ट्रैक से ही कनेक्ट करेंगे हम लोग। ओके गेमर्स मैंने एक को रूट कनेक्ट कर दिया, ये सीधा रूट यहाँ से होके हमारे मेन ट्रेन टर्मिनल पे जाता है, आई थिंक यहाँ पे भी मैं रूट बना सकता हूँ। हमारा एक और नया ट्रेन का रूट रहेगा ये, यहाँ से ऐड स्टॉप क्रिएट न्यू लाइन, या मैंने लाइन को क्रिएट करा, एंड ये ऐड होने चाहिए, कहाँ पे गया इजिप्ट हमारा, हाँ ये रहा इजिप्ट। ओके हो गया भाई, हो गया
ओके, तो मुझे एग्जैक्टली ट्रेन स्टेशन टू ट्रेन स्टेशन ही बनाना होता है, तभी ये लाइन क्रिएट होती है एंड कनेक्टेड ओवर हेयर। ओ बॉय, देखा अभी यहाँ के सारे लोग खुश हो जाएंगे आई थिंक, हमारे छोटा इजिप्ट के। तो मैंने एक और कनेक्शन यहाँ पे भी बना दिया है। तो गाइज फाइनली एज यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेन्स आ रही है। ये ट्रेन कहाँ पे जाएगी, लेट मी सी। ये ट्रेन पैसेंजर को लेकर सैन पाल्मा इस सिटी पे जा रही है, मतलब ये आउट ऑफ सिटी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी काफ़ी सारे ट्रेन्स ने आना जाना शुरू कर दिया है, जिससे कि हमारे सिटी में टूरिज्म का बिजनेस काफ़ी अच्छी तरीके से रन होगा। ये वाले कार्गो ट्रेन टर्मिनल को मैं इस वाले से भी कनेक्ट कर सकता हूँ क्या, आई थिंक मैं कर सकता हूँ। सो एक काम करते हैं, यहाँ से भी हमारा एक ट्रेन का रूट जाएगा पेज डाउन, और इसको मैं सीधा हमारे इस वाले कार्गो ट्रेन टर्मिनल से कनेक्ट कर दूंगा। भाई ये एकदम सीधा आ गया भाई, वेरी नाइस। और ये सीधा कनेक्ट होगा, यहाँ पे इसको पेज अप करना पड़ेगा आई थिंक। ओके गाइज, मैंने एक और कनेक्शन बना दिया, एंड मैंने सीरीज के शुरुआत में भी कुछ बनाए थे कार्गो ट्रेन टर्मिनल, वो कहाँ पे, हाँ वो यहाँ पे। तो मैं ये वाले भी कार्गो ट्रेन टर्मिनल्स को इससे जोड़ सकता हूँ मैं आई थिंक। ये वाले भी रूट को गाइज मैं अंडरग्राउंड करके ले चलता हूँ अपने दूसरे ट्रेन टर्मिनल के पास, मतलब जो अभी हमने बनाया, ये भी मैंने कनेक्शन कर दिया। तो अभी जो हमारा सबसे पहला जो हमने कार्गो ट्रेन टर्मिनल बनाया था, कहाँ पे गया भाई, ये वाला। तो यहाँ से भी हमने एक लाइन नहीं बनाई है, यहाँ से ये लाइन जाती है, हाँ इधर से जाती है, तो यहाँ से भी अभी ट्रेन इधर उधर आ जा पाएंगी। तो ये वाली ट्रेन कहाँ पे जा रही है, कार्गो ट्रेन टर्मिनल जो कि हमारा, ओ गाइज अभी जो मैंने कनेक्शन बनाया था, ये ट्रेन एग्जैक्टली वहीं पर जा रही है। लेट्स गो, सारी चीज़ें बहुत बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करी। तो देखो अभी ये ट्रेन यहाँ से ऐसे जाएगी, इसको एक बार हम सिनेमैटिक व्यू में देखते हैं। ये घूम के जो भी मैंने नया रूट बनाया था, इस रूट से जा रही है। लेट्स गो गाइज, एंड जो हमारा पैसेंजर ट्रेन टर्मिनल है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ये भी ट्रेन कहाँ पे जा रही है, पैसेंजर लेके मल्टीप्लेटफॉर्म ट्रेन स्टेशन पे आई है पैसेंजर्स को लेने के लिए, और इसके अंदर टोटल 21 पैसेंजर्स थे। और एक और ट्रेन जा रही है यहाँ से भाई, फाइनली सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। एंड जो हमारा प्राइवेट आइलैंड पे मैंने कनेक्शन बनाया था, वहाँ से ट्रेन्स तो आ रही है ना, यहाँ पे लोग आ रहे हैं क्या वैसे, एक बार मैं देखता हूँ। हाँ देखो गाइज, यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग है भाई, वेरी नाइस। तो ये सारे के सारे भाई, अभी अभी ट्रेन आई है और अभी इस ट्रेन से लोग उतरेंगे आई थिंक, या चढ़ेंगे इसके ऊपर, देखते देखते क्या होता है। ये ट्रेन यहाँ, ओ आई थिंक भाई ये ट्रेन तो लोगों को लेके चली भी गई, दैट्स सो कूल। एंड यहाँ पे कार्स वगैरह भी खड़ी है, और लोगों भी देखो जो ट्रेन से यहाँ से उतरे वो यहाँ से चले भी जाएंगे। और मैं सोच रहा हूँ देन एक हमारा ट्रेन का कनेक्शन यहाँ पे भी होना चाहिए हमारे एलियन आइलैंड के लिए, बट गाइज ये बहुत ऊंची वाली जगह है, यहाँ पे ट्रेन स्टेशन बनाना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो चलो गाइज, हमारा जो पैसेंजर ट्रेन टर्मिनल है वो काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, बहुत सारी ट्रेन्स आ रही है, और इससे हमारे टूरिज्म को काफ़ी अच्छा बढ़ावा मिलता है। एंड जो हमारा कार्गो ट्रेन टर्मिनल है वो भी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, देखा यहाँ पे भी ट्रेन्स आ जा रही है। सो सारी चीज़ें एकदम बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है। और मैं इस गेम को लिटरली पिछले 3-4 घंटे से खेल रहा हूँ, बट अभी तक मेरा मन भरा नहीं है, मैं चाहता हूँ इसको और भी खेलूँ, बट यार मैं इतने 2-2, 3-3 घंटे के वीडियो तो बना नहीं सकता। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन दिस वीडियो, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो से रैंडमली कौन से भी रोड को आप में से दो लोगों का नाम दे दूंगा। सो विल दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, एंड प्लीज़ यार लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जिनको सिटी स्काइलाइंस पसंद है, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गेमर्स।